बहुत पुराना उपाय है, जो शुरू से इस प्रोग्राम को देखते हैं वो जानते होंगे। तो आप वराही माता जी का मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको यकीन ना हो, आपको किसी ज्योतिषी पे यकीन ना हो, जो मैं कह रहा हूँ उस पे यकीन ना हो, तो नहीं करना यकीन, ऐसे विश्वास करना ही नहीं, क्योंकि ऐसा किया हुआ विश्वास आपको धोखा दे सकता है। जो ज्ञान है ये दूसरों का अनुभव है, आपको बताया आपने गीता जी को पढ़ा, पढ़ने के बाद वो अर्जुन और कृष्ण का अनुभव था, रामायण सुनी आपने वो श्री राम का अनुभव था, उन्होंने हमें क्या कैसे जीवन को विचरण करना चाहिए बताया। पर जब आप उसकी तरह जीवन जिएंगे तब आपका अपना अनुभव होगा। अध्यात्म भी कहता है साइंस की तरह कि तुम अनुभव करो स्वयं को, और आप करोगे तो आपको जरूर अनुभव होगा। तो वराही माता जी का मंत्र आप कम से कम 5 माला करके रात को सोएं, और आपका बिस्तर बहुत प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, रूम साफ होना चाहिए सोने से पहले। आप टेलीफोन वगैरह अपने पास ना रखें, और सबको बोल के रखें कि आपको उठाएं नहीं, आराम से नींद को सोएं। अपना नित्याक्रम जो पूजा वगैरह करते हो उसको अच्छी तरह से करें। शाम का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले कर लें, फिर वराही माता जी के मंत्र का जाप करके सो जाएं, और मन में प्रश्न करें कि हे माँ मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताओ कि इसका क्या सलूशन है, क्या समाधान है। मैं इस डॉक्टर के पास जाऊं, इस बाबा के पास जाऊं, इस स्वामी जी के पास जाऊं, हकीम के पास जाऊं, वैद्या के पास जाऊं, मैं क्या करूं? उसमें आपको जैसे गाइडेंस मिलेगी आप वैसे करना। मैं वराही माता जी का मंत्र बता रहा हूँ, इस तरह से उसको करना है। ओम ह्रीम नमो वाराही अघोरे स्वप्नम दर्शय ठह ठह स्वाहा। ओम ह्रीम नमो वाराही अघोरे स्वप्नम दर्शय ठह ठह स्वाहा। स्वामी जी कितने 5 माला मतलब कितने रोज कितने दिन तक, क्योंकि आप कई बार आश्वस्त करते हैं लोगों को कि इतने दिन तक उत्तर मिलता है यदि बहुत कंसंट्रेशन के साथ सात्विकता के साथ किया जाए मंत्र जाप, तो इसमें कितने दिन तक उत्तर मिल जाता है अमूमन? अभी अभी 10 दिन की बात है, किसी बच्चे को मैंने कहा करने को, तो उनको मेडिकल स्कूल में एडमिशन चाहिए था, तो उसने प्रश्न किया कि कौन से कॉलेज में मुझे जाना चाहिए। तो आप 5 दिन के अंदर अंदर उसको कोई कॉलेज की स्कूल की ऐसे बिल्डिंग दिखाई देने लगी, बोले मुझे ना ऐसे गुरुजी को ऐसी बिल्डिंग दिखाई देती है कॉलेज की। मैंने बोला इसका मतलब है बेटा कि तुम्हें एडमिशन मिल गया, कहाँ मिला हो कैसे मिला हो पता नहीं है। तो मंत्र शक्ति का चमत्कार देखो कि उसको लेटर आ गया एडमिशन का कि मुझे मिल गया एडमिशन, और जैसे उस कॉलेज में गया यूनिवर्सिटी में गया तो बिल्कुल हूबहू वही बिल्डिंग वही स्थिति सब कुछ वैसा का वैसा। इवन कोई 2 लोग उसको मिले, मैं भूल गया कौन मिले, तो वो भी शक्ल में वैसे के वैसे जैसा उसने देखा था। वो तो अमेरिकन बच्चा, अमेरिका में उसका जन्म हुआ, इंडियन है बेसिकली, पर पिछले अबाउट 35-40 साल से उनकी फैमिली वहाँ रह रही है। तो उसको मैंने 11 डेज करने को कहा, छोटा था 7th-8th क्लास में परना जी पढ़ता था, तब से माता जी के चरणों में लगा हुआ, तो उसको 5 दिन में 4 दिन में जवाब मिल गया। अगर आप साधना करते हो तो आपको 11 दिन में जवाब मिल जाएगा।